हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। तो रुचिका सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और वायरल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो देखिए क्या वो उसकी मेहनत रंग लाती है, क्या वो वायरल हो पाती है। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी, चलिए देखते हैं रुचिका कितनी मेहनत कर रही है। तो रुचिका ने आखिर मेहनत करके एक वीडियो यूट्यूब पे डाल ही दिया, लेकिन अब उसका होगा क्या? मैंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया, वीडियो भी अपलोड कर दी, लेकिन मेरे वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स गेन करने होंगे। चलो उन आंटी के पास चलते हैं और उनको कहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जी आंटी, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, क्या आप उसे सब्सक्राइब कर लोगे? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। वाले अंकल आ गए, चलो एक और सब्सक्राइबर बना लेते हैं। कल आपके पास फोन है? तो देखा फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए रुचिका को क्या क्या करना पड़ा। एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो बनाऊंगी। चलो मैं इंस्टा पे बनाती हूँ। चुटकी मार, चुटकी मार, चुटकी मार। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज, वायरल हो गई है। मम्मा मेरी वीडियो पे 4 मिलियन व्यूज हो गए, मैं वायरल हो गई है। मैं यूट्यूब पर 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हुई है और उस पे 4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कभी भी किसी चीज़ की होप नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि मैं भी अभी तक यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, मेरी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल भी हुई है, लेकिन मेरी यूट्यूब पे एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई है। तो मैं भी होप नहीं छोड़ूंगी, मेरी भी एक ना एक दिन यूट्यूब पे वीडियो वायरल जरूर हो। फ्रेंड्स, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। हे फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे करो लाइक, शेयर, कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।